ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2, 3 टू दिस इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो टी इक्वल टू जीरो होता है, राइट। कोई भी पॉइंट बाहर से अगर मैं पैर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, टी इक्वल टू जीरो। फिर बाद में क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो देखो इसको स्टार्ट कर दिया, ऐसे बोल दिया कि मान लो कि यहाँ पर इलिप्स इस तरह से बना हुआ है, कैसे बना दे इलिप्स अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तो क्या निकल रहा है, जनरल जनरल प्रॉपर्टीज लगेगी, राइट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक लगने वाला है इधर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पर मैं टेंजेंट्स अगर ड्रॉप करता हूँ, ये कितना यहाँ पर 2, 3 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू 2, 3। ठीक है, और यहाँ पर एस यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y² - 9, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके लिए जब तुम लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x x1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y y1 - 9, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से जब तुम 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 12y - 9, दिस इज इक्वल टू जीरो। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ चुकी है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो एक काम यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है, देखो अगर यहाँ पर मिड पॉइंट लेट्स से इधर कुछ गिवन है, यहाँ पर एच कॉमा के, अगर मिड पॉइंट ओरिजिनली गिवन होता तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखता। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, उसके लिए कुछ इस तरह से होता था, टी इज इक्वल्स टू एस वन। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू एस वन विद रिस्पेक्ट टू एच कॉमा के। ठीक है, और इसी इलिप्स में तो टी कितना आ जाएगा, टी तो तुम ऐसे लिखोगे जो यहाँ पर आया था, कैसे लिखोगे इसको, एच एक्स प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4k y - 9, दिस इज इक्वल्स टू, अब इस पर तुम सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर 4k² - 9। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है कि 9 और 9 कट रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, एच एक्स हो गया, ये कितना यहाँ पर 4k y हो गया, यहाँ से कितना हो गया माइनस एच स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 4k², दिस इज इक्वल्स टू जीरो। आई होप दिस इज फाइन। अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सबको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, या तो कोएफिशिएंट्स को तुम प्रोपोर्शनल ले लो, या एक किसी पर्टिकुलर एक्स के कोएफिशिएंट को सेम बना लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोपोर्शनली ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h/2। किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक तो इसको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये भी किसकी इक्वेशन है, कॉर्ड की, और ये जो इक्वेशन निकाला ये भी किसकी इक्वेशन है, उसी कॉर्ड की इक्वेशन है। ठीक है, तो h/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k/12 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट में, राइट, एच स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4k² / 9, माइनस और माइनस कट गया। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, जैसे एक तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर इन दोनों से अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12h इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया, ये हो जाएगा 8k हो गया। तो तुम क्या करो, 4 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू 2k हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे एक तो मुझे ये मिल गया, तो तुम एक काम करो, अब इसका यूज़ कर लो, किसी भी दो का यूज़ कर लो, इसका यूज़ कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा k/3 इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो गया एच स्क्वायर प्लस 4k² रखना है मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9h² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4k² आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा 9h² हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व कर लो। अच्छा, ये और किसके बराबर है, ये और h/2 के भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले तो h निकाल लेते हैं, राइट। तो पहले अगर h निकाल लिया यहाँ से, तो इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहाँ से लिख लिया, इसको यहाँ से, ये, तो इसको हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10h². ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9h/2 हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ से क्या आ रहा है, h इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, और दूसरे यहाँ से h कितना आ रहा है, h इज इक्वल्स टू, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 9/20 आ रहा है। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, वैसे ही k कितना आ जाएगा, अब तुम k इजीली निकाल सकते हो, k यहाँ पर कितना है 3h/2 है। ठीक है, कहाँ से लिख दिया, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अगर h को एक बार 0 लोगे तो यहाँ पर k कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक बार h को 9/20 लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना है यहाँ पर 9/20। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 27/40। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए। अच्छा, ये जो h और k, जीरो जो जीरो आया है, इसको तो रिजेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको ले लिया तब तो यह पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाली इक्वेशन, ये अगर मैं h और k को जीरो लेता हूँ तब तो पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला पॉइंट कितना आ गया मिड पॉइंट इसका, एक तो 9/20 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27/40 आ गया। आई होप दिस इज फाइन, ठीक है, आई होप मैंने हम लोग ने कुछ गलती नहीं की है, सब सही है ना, अगर कुछ गलती की होगी तो देख लेना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना तो बहुत ईजी है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो क्या फॉर्मूला था, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कुछ इस तरह से था, रूट डी बाई ए इंटू यहाँ पर होता था 1+m², ठीक है, m किसका स्लोप है, m इस लाइन का स्लोप है, देखो यहाँ पर ये m इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा -1/6 हो गया, तो एक तो m ये हो गया, और ये जो रूट d है ये d किसका है, जब तुम इस इलिप्स को और इस लाइन को जब सॉल्व करोगे तो x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी, याद रखना x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d है, मतलब किसको तुम्हें सॉल्व करना है, इस लाइन को और इस इलिप्स को, ठीक है, इस दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स में उसका डी है ये, ठीक है, तो तुम निकाल लेना, तो क्या करो वाई को एलिमिनेट करो, ऊपर जाके रख दो उसको, ठीक है, एक्स में एक क्वाड्रेटिक बना लो, वहाँ से डी निकालो, ठीक है, और वही वहाँ से ये जो रूट डी बाई ए है, ए भी क्या है उस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, और बाद में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमने किया है और फिर पहले से ही सर्कल में, ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, L1 इज पैरेलल टू L2 विद स्लोप 9, ठीक है, L3 इज पैरेलल टू L4 विद स्लोप -1/25, ऑल दिस लाइन टचेस द एलिप्स, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम फॉर्म बाय दिस लाइन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से कुछ एलिप्स होगा, ओके, ऐसे अब बन रहा होगा पैरेलोग्राम, ठीक है, इस तरह से कुछ, यहाँ से एक इस तरह से लाइन चली गई होगी, ठीक है, इसके ही पैरेलल यहाँ पर ऐसे कुछ लाइन चली गई होगी, ठीक है, इसका मैंने बोल दिया ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे कुछ लाइन चली गई होगी, ठीक है, इसको टच करते हुए, और एक ऐसे कुछ चला गया होगा इसको यहाँ पर टच करते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, इसको मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, L3 ले लिया, इसको यहाँ पर क्या ले लिया, L4 ले लिया, ठीक है, तो इसका मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एक काम करता हूँ, पहले तो इन लाइन्स की इक्वेशन लिख लेता हूँ, तो जैसे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू mx±√a²m²+b², तो इसको रख दो एक बार, तो y इज इक्वल टू एक बार क्या करते हैं, m को ये ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा प्लस माइनस दिस इज रूट, ओके, यहाँ से तो जब तुम रखोगे तो a² यहाँ पर कितना है 25, ठीक है, 9 इसका स्लोप है तो ये कितना हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पर b² कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया, इसको ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू 9x±, तुम देखो 9 तो कॉमन आ सकता है, तो अगर 9 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 25 इंटू ये 9 हो गया प्लस 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9x±3 तो बाहर आ गया, और ये कितना हो जाएगा 9, 25 इंटू 9 कितना होता है 225, राइट, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 226, ठीक है, तो इसको चलो ऐसे ही रहने दिया, तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, एक लाइन L1 होगी और दूसरी लाइन कौन सी होगी L2, पैरेलल लाइंस, वैसे ही तुम क्या करो दूसरा निकाल लो, तो -1/25 रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x/25 माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट a² यहाँ पर कितना है 25, ठीक है, फिर -1/25 का मतलब कितना हो गया -1/25 का स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 9, तो इसको भी तुम कैलकुलेट कर लो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x/25 प्लस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 हो गया प्लस 9 हो गया, इसको जब तुम फिर से एलसीएम लोगे तो तुम ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से इस तरह से बन जाएगा 225 ऐसा हो जाएगा 226 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 25 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा इस तरह से प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा और ये चीज़ वैसे के वैसे ये 226, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए, दो पैरेलल लाइंस आ गए, ये लाइन कौन सी होगी, ये L3 होगा और यहाँ पर ये कितना होगा L4 होगा, आई होप दिस इज फाइन। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना है, तो मुझे बताओ अगर तुम्हें याद हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम कुछ इस तरह से लिखा था, अगर मेरे पास यहाँ पर चार पैरेलल लाइंस लिख रखी है तो ऐसा कुछ था C1-C2 का मॉड, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा D1-G2 का मॉड हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होता है M1-M2, आई होप दिस इज फाइन। C1-C2 किसको बोल रहे हैं, ठीक है, C1-C2 एक ही लाइन से आएगा, जैसे ये मैंने अगर ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, जैसे इस तरह से लाइन ले ली, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर M1 कितना आ जाएगा, M1 यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा, C1 यहाँ से कितना हो जाएगा ऐसे ले लो 3√26 हो जाएगा, और C2 यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, आयरा समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही जब तुम ये वाली लाइन लोगे दूसरी वाली, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन ले ली यहाँ से,
तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ से एम टू कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई 25 हो जाएगा, ठीक है। डी वन कितना हो जाएगा, एक बार तुम प्लस के साथ ले लो, ये कितना हो जाएगा 226 बाय 5 हो जाएगा, और डी टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 226 बाय 5। बस तुम वैल्यूज रखो और एरिया ऑफ पैरोग्राम निकाल लो, ठीक है। ये हमने लिखा था, याद करो, स्ट्रेट लाइन में लिखा है ये चीज, बहुत लास्ट लास्ट में लिखा है पर किया है हमने, ठीक है। तो इसके तुम वैल्यूज पुटअप करो, ठीक है। और साथ में ये जो लिखा है अब रूट 226, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। आई होप दिस इज फाइन, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर ये चीज़ याद नहीं आ रही तो जाके रिवाइज कर लिया। ओके, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, टेंजेंट फ्रॉम P2, 3 टू द सर्कल टचेज एट ए एंड बी, ठीक है। सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल पी ए बी कट्स द डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स ऑर्थोगोनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कम सर्कल ऑफ पी ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से सर्कल है, इस चीज को हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉप किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप किया, ठीक है। तो मुझे सर्कल किसका बनाना है, जैसे यहाँ पर ये ए काटा इसने, यहाँ पर ये बी काटा, ठीक है, यहाँ पर ये पी है, तो सर्कल कैसे बनेगा, यहाँ पर इस तरह से ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इस सर्कल की कुछ खासियत होती थी, सर्कल की ये खासियत होती थी कि यहाँ पर ये इसके ओरिजिन से भी पास करता है, राइट। क्यों ओरिजिन से पास करता है, क्योंकि देखो यहाँ से जब तुम इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे तो तुम देख सकते हो कि ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 है, ये यहाँ पर 90 है। इसको हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड जिस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है, ठीक है, अगर उससे तुम खींच बनाओगे तो उसके सेंटर से भी इसको पास करना है। तो अगर सेंटर से इसको पास करना है, इसका मतलब मुझे पता चल गया पी और इसका जो सेंटर है, जो इस केस में मैंने यहाँ पर ओ ले रखा है, वो क्या है, डायमीटर्स हैं। तो पी वाला पॉइंट कितना है, यहाँ पर 2, 3 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सेंटर्स कितने हैं, जिसको ओ ले लिया मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर 4, -3 देख के निकाल सकते हो ना यहाँ से, 4, -3, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है, पी 2, 3। तो इसकी इक्वेशन लिख लो, ये कितना हो जाएगा, x-4, x-2, ये हो जाएगा +y+3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, y-3। आई होप यू रिमेम्बर, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको तुम ओपन कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² - ये हो जाएगा 6x+8 हो गया, ये हो जाएगा y² - 9, दिस इज इक्वल्स टू 0। फाइन, तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, ये हो जाएगा x² + y², ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6x, ओके। और यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ +8 बच गया, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। +8 - 1, तो ये -1 बच गया ना, राइट, दिस इज -1, तो सही से लिख लेते हैं -1। देख लो जरा, सब सही लिखा है ना, x² है, y² है, -6x है, और ये -1, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया, ये कौन सा सर्कल है, ट्रायंगल पी ए बी का। फिर ये क्या बोल रहा है, दिस कट्स द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो पहले तो इसका डायरेक्टर सर्कल लिखते हैं। तो देखो, जब मैं इसका डायरेक्टर सर्कल लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें, क्योंकि ये शिफ्टेड है। तो अगर यहाँ पर ये शिफ्टेड है तो वहाँ पर भी वो शिफ्टेड ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के सेंटर्स क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x+5² + यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-3² दिस इज इक्वल्स टू, याद करो कैसे होता है डायरेक्टर सर्कल, x² + y² इज इक्वल्स टू a² + b², ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, 9 + b² इस तरह से आ गया। ये किसका आ गया, डायरेक्टर सर्कल किसका आ गया, इस पर्टिकुलर एलिप्स का आ गया। अब तुम क्या करो, उसको ओपन कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + यहाँ से कितना हो गया, ये हो जाएगा 10x + ये कितना हो गया, 25 + यहाँ से कितना हो गया, y² - 6y+9 दिस इज इक्वल्स टू 9 + b². तो यहाँ से कितना हो गया, x² + y² + यहाँ पर कितना है, 10x है, -6y है, यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, 25 - b² दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 9 से ये 9 कट गया, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है। तो अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या था, याद करो, इस तरह से ऐसा कुछ था, 2g1g2 + 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 + c2, अगर ऑर्थोगोनली दो सर्कल काट रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, g1 वो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है, g1 f1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से g1 कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, f1 कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है, और c1 यहाँ से कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से g2 निकाल लो, g2 यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके। यहाँ से f2 कितना आ रहा है, यहाँ से -3 आ रहा है, और यहाँ से c2 कितना आ रहा है, 25 - b² आ रहा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b² की चाहिए, राइट। तो
अब तुम इसको उठा के रख दो सब कुछ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा माइनस 3, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, f1 यहाँ पर 0 हो गया तो इसका मतलब सारी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर f2 रखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, रख के दिखा देते हैं कैसे रखा है, ये माइनस 1 है और यहाँ पर ये कितना है 25 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया माइनस 15 माइनस 60, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 60, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 84, बी स्क्वायर ही चाहिए ना, राइट, बी नहीं चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 24। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है क्योंकि इसमें सर्कल भी आ गया है, ठीक है, इसलिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी आ गई है। आई होप दिस इज फाइन, ओके।